छठे चरण का रण होना है। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने पूरी तैयारी कर ली है। कल सबसे पहले सटीक खबर, सबसे पहले हर तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे, और उससे पहले ये बुलेटिन भी हम आपको उसी शहर से दे रहे हैं जहां पर कल होना है मतदान। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि छठे चरण का रण आखिर कौन कौन सी जगहों पर है और वो कौन सी सीटें जिन पर दिन भर नजर बनी रहेगी। हम शुरुआत करते हैं अकबरपुर से। अंबेडकर नगर की शहर वाली सीट अकबरपुर, जिस पर सभी की नजरें बनी रहेंगी क्योंकि यहां पर तीनों ही पार्टियों के बीच में मुकाबला खड़ा है, त्रिकोणीय मुकाबला। बलरामपुर, कपिलवस्तु, डुमरियागंज, गोरखपुर, योगी आदित्यनाथ ताल ठोक रहे हैं यहां से, उन पर सभी की नजरें रहेंगी। बस्ती, बलिया और कुशीनगर, ये तमाम वो सीटें हैं पूर्वांचल की जो आगे का रास्ता भी तय करेंगी, और यहीं से दशा और दिशा छठे चरण की आपको समझ आ जाएगी। जिस तरीके से मतदाताओं की कतार आपको दिखाई देगी सुबह 7 बजे से लेकर जब तक मतदान हो रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि पूर्वांचल के मुख्य मुद्दे क्या है, पूर्वांचल की जनता किन मुद्दों को सामने रखती है, या राजनेता ने कौन से मुद्दे तैयार किए हैं जिन पर वो वोट बटोर रहे थे अब तक। सबसे बड़ा मुद्दा माफिया। देखिए, आप पूर्वांचल की तरफ जब आएंगे तो माफिया, गुंडा राज, ये तमाम चीजें आपको सुनाई दी होंगी, लेकिन योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी इसे ही मुद्दा बना रही है कि इस सरकार ने माफिया राज को खत्म किया। बुलडोजर आपको पूर्वांचल वाली सभाओं में ही खड़े दिखाई देंगे और किसी सभा में नहीं, तो इसे समझ आता है माफिया एक बड़ा मुद्दा। सांड, आवारा पशु, अखिलेश यादव लगातार आवारा पशु को लेकर निशाना साध रहे हैं बीजेपी पर। इसके बाद बुलडोजर, जैसा मैंने अभी भी जिक्र किया कि बुलडोजर को लेकर योगी आदित्यनाथ समेत समुची बीजेपी कैसे विरोधियों पर निशाना साध रही है कि इन्हीं बुलडोजर के सहारे हमने माफियाओं को ध्वस्त कर दिया है। बेरोजगारी और बाढ़, क्योंकि बहुत सारा इलाका, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, ये तमाम वो इलाके हैं जो तराई वाले इलाके हैं जहां पर अक्सर बाढ़ के चलते लोगों को पलायन करना पड़ता है, तो बाढ़ एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये मुद्दे हैं पूर्वांचल के। लेकिन आप एक बात और समझिए, चाहे बात महाराजगंज की हो, बात कुशीनगर की हो, या उन तमाम जिलों की जिनकी सीमाएं बिहार से सटी हैं, उनमें जो भी मैंडेट आता है उसका असर, या यूं कहें कि पूर्वांचल के इस हिस्से का असर पड़ोसी राज्य बिहार पर भी पड़ता है। कैसे, वो भी ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं। जातियों में उलझे पूर्वांचल में इस बार बिहार की जेडीयू और वीआईपी पार्टी भी मैदान में है। खास बात है कि दोनों पार्टियां बिहार में बीजेपी की सहयोगी दल हैं, लेकिन दोनों ने यूपी में छठे और सातवें चरण में अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं कि सीमा के इस तरफ आइएगा तो सब अलग अलग है, लेकिन सीमा के उस तरफ जाइएगा तो सब एक साथ हो गए हैं। अब दोनों ने यूपी में अलग अलग अपने प्रत्याशी उतारे हैं। बिहार की सीमा से सटे यूपी के कई इलाकों में कामयाबी मिलने की उन्हें उम्मीद नजर आ रही है। ऐसे में निषाद वोटों की राजनीति करने वाले वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने 102 सीटों पर, देखिए गौर करने वाली बात है कि पूर्वांचल की बहुत सारी सीटें निषाद वोटर्स से प्रभावित रहती हैं, तो यहां पर देखिए अपने 102 सीटों पर अलग से प्रत्याशी उतारे गए हैं मुकेश सहनी ने। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू 28 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, और आखिर जेडीयू और वीआईपी को इतना सीटों पर चुनाव जीतने का इतना भरोसा क्यों है और किस दम पर है, ये भी आने वाला वक्त ही आपको समझाएगा।